चलिए जानते हैं देश और दुनिया की लेटेस्ट काम की महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरें। 23 सितंबर को वाराणसी आएंगे पीएम मोदी। 451 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। पीएम मोदी स्टेडियम का आधारशिला रखेंगे। कपिल देव और सचिन तेंदुलकर रहेंगे मौजूद। करीब 4 घंटे तक काशी में रहेंगे पीएम मोदी। यूपी में 700 से ज्यादा भू माफिया की लिस्ट तैयार। गुंडा और गैंगस्टर एक्ट से शिकंजा कसेगी योगी सरकार। गैस सिलेंडरों की कीमत में गिरावट। 14 किलो वाला घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 983 रुपया और वही 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1640 रुपए है। मुस्लिम धोबियों को मिलेगी फ्री बिजली। चुनाव से पहले तेलंगाना सरकार का फैसला। सीएम केसीआर ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग लॉन्ड्री चलाते हैं या फिर धोबी घाट पर काम करते हैं उन्हें हर महीने 250 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी। अरहर दाल पर चढ़ने लगा महंगाई का रंग। अरहर की दाल खाना महंगा हो रहा है। इस साल अरहर के दाम करीब 20% बढ़ चुके हैं। 150 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर। अगर आप भी पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपकी बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और अभी तक आपने ईकेवाईसी नहीं कराया है तो 31 सितंबर तक ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 15वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। 15वीं किस्त के 2000 रुपए किसानों के खाते में नवंबर और दिसंबर में से किसी भी महीने में भेजी जा सकती है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत हो चुकी है। अंदाज ए राहुल कभी ट्रैक्टर चलाया तो कभी मैकेनिक बने। अब कुली बन सुना उनका दर्द। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात। उन्होंने कुलियों से बात की और उनकी परेशानियों को भी सुना। इस दौरान राहुल ने कुली की ड्रेस पहनकर यात्रियों का सामान भी उठाया जिसके वीडियो सामने आया। यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक्स पर शेयर किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत मात्र 5% के ब्याज पर सरकार देगी लोन। आसानी से शुरू करें अपना कारोबार। सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया है। इसके तहत अपने बिजनेस की शुरुआत की इच्छा रखने वाले लाभार्थियों को पहले चरण में बिजनेस शुरू करने के लिए 1,00,000 रुपए और बाद में बिजनेस के विस्तार के लिए 2,00,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए pmvishwakarma.gov.in पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर में अयोध्या में ही जन्म लेने वाला होगा मंदिर का पुजारी। ड्रेस कोड लागू करने की योजना। घोसी उपचुनाव के विजेता सूतकार सिंह अखिलेश यादव ने किया अभिनंदन। कहा साइकिल चलती जाएगी। तो इन खबरों के बारे में आप सभी का क्या राय है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं लेटेस्ट खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।